सुप्रभात बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी बसंत पाठ सात, क्या निराश हुआ जाए। तो बच्चों, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य प्रसाद त्रिवेदी जी। तो अपन चलते हैं बच्चों कठिन शब्दार्थ के ऊपर। देखो कठिन शब्दार्थ, पहला देखो धर्मवीरु। धर्मवीरु का मतलब होता है जिस धर्म छूटने का भय हो या अधर्म से डरने वाला, ठीक है। दूसरा देखो प्रतापास, भेद खोलना या फिर दोष प्रकट करना। उजागर, उजागर का मतलब क्या है? प्रकट करना। कष्ट स्थान, जहाँ किसी को जाना हो। आगे देखो ठाठस, ठाठस का मतलब है दिलासा, धीरज बंधाना, ठीक है बच्चों। तो पाठ में अपन चलते हैं, क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। पाठ को देख के अपने को क्या लग रहा है कि लेखक अपने को क्या समझाना चाह रहा है? इस पाठ में जो भी चीज़ें आई है, जिनके बारे में लेखक अपने को बता रहे हैं, उनके लिए क्या अपने को निराश होना चाहिए? क्या उनकी अच्छाइयों को भूल के, उनकी अच्छी चीज़ों को ना देख के, उन चीज़ों के ऊपर अपने को निराशावादी होना चाहिए? इस प्रकार लेखक जो है अपने को पाठ को समझा रहे हैं कि अपने को क्या होना चाहिए। तो आके देखो क्या निराश हुआ जाए, लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी, ठीक है बच्चों। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में टकी टकेती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बना है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक अपने को यह क्या कह रहा है कि कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ। निराश कैसे हो जाता हूँ? जो भी अपन समाचार पत्र, टीवी वगैरह, न्यूज वगैरह अपन देखते हैं, तो उनमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारी चीज़ें अपने को ये देखने को मिलती है कि उनमें कपड़े जो होती है वो चोरी की, टकेती की, भ्रष्टाचार की, इनकी भरी हुई होती है। तो उनको देख के मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ। ऐसा वातावरण मेरे को लगता है कि शायद देश से ईमानदार आदमी जो है वो गायब हो गए हैं, वो शायद रहे नहीं हैं। हर आदमी को अपन क्या करते हैं, संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर काम करते हैं, उनमें उतने ही अपने को दोष दिखाई देते हैं। उनकी अच्छाई को अपन नहीं देखते हैं, बल्कि उनमें अपन उतने ही दोष जो है वो अपने को दिखाए जाते हैं या अपने को दिखते हैं। आगे देखो, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय ये सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष इसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। लेखक क्या कह रहे हैं कि एक बार मेरे को किसी सज्जन आदमी ने ऐसा कहा था, ऐसा बताया था कि इस आने वाले टाइम में जो है वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी दिखेगा जो कुछ भी नहीं करता है। कुछ भी नहीं करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कि जो ईमानदारी से चल रहा है वो लोग जो है क्या दिखेंगे, दुखी दिखेंगे। उनमें सबसे ज़्यादा अपने को दोष नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ईमानदारी को अपन नहीं दिखेंगे और उनके गुणों को अपन बढ़ा चढ़ा के अपने को दिखाया जाएगा, ऐसा लेखक का मानना है। दोष किसमें नहीं होते, लेखक क्या कह रहा है कि ऐसा कोई दुनिया में, देश में आदमी नहीं है जिसमें दोष नहीं होता है। सब में दोष होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। लेखक क्या कह रहा है कि बस यही कारण है कि अपने को हर आदमी दोषी लग रहा है, गुणी मतलब अच्छाई उनमें बिल्कुल कम लग रही है या फिर हमारे को दिख ही नहीं रही है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर और मनन मोहन मालवीय का महान? यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि क्या यही वे भारत है? ये भारत वही है जिसका सपना
रविंद्र जी ने देखा था, मालवीय जी ने देखा था, क्या ये वही भारत है? उन्होंने क्या सपना देखा था? उन्होंने सपना देखा था कि राम राज्य जो है ऐसा मेरा भारत हो। उन्होंने बच्चों ये सपना देखा था कि हमारा भारत जो है कैसा हो, राम राज्य जैसा हो। आगे देखो, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, हर जाति धर्म सबके यहाँ लोग रहते हैं और सबको मान्यता दी जाती है। ऐसा मेरा भारत देश है। यहाँ यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जो यूरोपियों ने और भारतीयों ने मिलके बहुत सारे जो सपनों से जोए थे, जो काम किए थे, वो मिलन भूमि जो है क्या बिल्कुल सूख गई है? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि मेरा भारत जो है वो सपनों का देश था और हमेशा रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठे तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल वीरों और बेबस लोगों के इससे पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ देखो, माहौल का मतलब होता है वातावरण, ठीक है। वीरू का मतलब है डरपोक, बेबस का मतलब है लाचार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसमें क्या है, जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो जो है कमा के खा रहे हैं, उनको क्या समझा जा रहा है, वो बिल्कुल भोले वाले लोग हैं, वो इन दिनों पिस रहे हैं, काय में पिस रहे हैं, झूठ बेईमान और भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं वो उनको क्या मानते हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। किनको? जो ईमानदारी के पथ पे चलते हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनको वो लोग बिल्कुल क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। उनको वो लोग डरपोक और लाचार समझते हैं और वो क्या कहते हैं कि सच्चाई जो है उनके हिस्से में आई है। किसके हिस्से में आई है? जो लोग डरपोक है, लाचार है, उनके हिस्से में क्या आई हुई है, सच्चाई आई हुई है, ऐसा लेखक का मानना है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूखे की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अपना जो भारतवर्ष है वो क्या है, कभी भी भौतिक वस्तुओं की कामना नहीं किया है, कभी भी उनको महत्व नहीं दिया है। यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि हर इंसान के अंदर क्या होता है, एक गुण होता है हर इंसान के अंदर। कौन सा गुण होता है? वो अपने आंतरिक गुण होते हैं, जैसे लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, ये सारी चीज अपने अंदर पहले से विद्यमान होती है। उनको सिर्फ अपने को क्या होता है, बंधन में बांध के रखने की जरूरत होती है। जब भी अपने को मौका मिलता है वो चीज़ें उजागर होती है, वो खुल के सामने आ जाती है। थोड़ा सा अपने को मौका मिलते ही वो चीज़ अपने सामने आ जाती है, तो उनको अपने को बांधने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि इन चीज़ों के साथ साथ हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर अच्छाई भी है। अच्छाई क्या है कि जैसे मान लो अपने सामने कोई भूखा आदमी है तो अपन उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उसके अपन ईमानदारी से अपन उसको भूखे को खाना खिलाएंगे, बीमार को अपन दवा दिलाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे अंदर अच्छाई भी है, इनकी अपन उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्रों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब
उनका मन सब समय ये पवित्र नहीं होता, प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही अच्छी सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कोटि तरीजनों का मतलब है गरीब लोगों को। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है कायदे कानून बनाए हुए हैं। वो कायदे कानून कौन से हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें गरीब लोगों के कायदे कानून के लिए बनी हुई है। लेकिन होता क्या है कि जिनको ये काम करना सौंपा जाता है कि जो ये काम करेगा वही क्या करता है कि अपने लक्ष्य को भूल जाता है और उनकी सुविधाओं का खुद के लिए वो फायदा उठाने लग जाते हैं, खुद के लिए लाभ लेना वो ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, बल्कि गरीबों को वो लोग भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म वीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि कानून और धर्म दोनों जो चीज़ हैं वो क्या हो रहा है, एकाएक उनमें अपने को अंतर लगने लग गया है। कैसे अंतर लगने लग गया है कि जैसे भ्रष्टाचार है तो वो लोग क्या करते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते। जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग दोषी हैं, वो धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार है वो धर्म को मानते हैं। लेकिन धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं, वो कानून को भी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि धर्म के साथ साथ वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो कानून अपने आप उनके साथ बना रहेगा। लेकिन जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो कानून को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कानून की अवहेलना कर लेंगे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि आज समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यहाँ कवि अपने को क्या कह रहा है, कवि अपने को ये कह रहा है कि इनका प्रमाण देने के लिए, किनका, ईमानदारी का, इनका प्रमाण देने के लिए आज भी अगर अपन गहराई में जाके देखें तो क्या देखने को मिलता है कि जो धर्म और कानून जो बड़ी चीज़ थी वो दब जरूर गई है। इन चीज़ों के नीचे भ्रष्ट लोगों ने इनको दबा दिया है, बाकी वो नष्ट नहीं हुई है। नष्ट कैसे नहीं हुई है, इसका प्रमाण क्या है कि आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को वो सम्मान देते हैं और झूठ और चोरी को वो लोग गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुँचाना वो लोग गलत समझते हैं। इस प्रकार आज भी जो है अपन ये चीज़ अनुभव कर सकते हैं कि आज भी ईमानदारी जो है अपन लोगों के बीच में प्रचार के प्रति इतना आक्रोश है। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक क्या कह रहा है कि जो अपन समाचार पत्रों में इनमें देखते हैं, लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए गलत काम करते हैं, अपने को ऊपर उठाने के लिए गलत काम करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके का क्या करते हैं, इस्तेमाल करके धन इकट्ठा कर लेते हैं, अपना मान सम्मान बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो चीज़ गलत मानी जाती है। दोषों का पर्दाफाश करना पूरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। लेखक क्या कह रहा है कि दोषों को, अगर किसी आदमी में दोष है तो उसका दोष बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात कब है, जब उसके आचरण में जो दोष है उसको अपन रस का मतलब है आनंद ले लेके, उसकी जो गलती है उसको अपन आनंद ले लेके और उजागर करें, ये गलत बात है। और इससे भी ज़्यादा गलत बात क्या है, इससे भी ज़्यादा गलत बात यह है कि जो उसके अंदर अच्छा ही है, जो उसकी अच्छाई है उसको अपन रस ले लेकर उजागर नहीं करना, मतलब जो अच्छा ही चीज़ है उसके अंदर उसको अपन रस लेके आनंद लेके उजागर नहीं करते हैं, बल्कि जो पूरी बात होती है वो अपन क्या करते हैं, आनंद ले लेके बताते हैं, तो ये चीज़ गलत है। अब आगे देखो लेखक इसको साबित करने के लिए एक अपनी कहानी सुनाता है। काहे की कहानी सुना रहे हैं, देखो
एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं चलती चलती गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन तीनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। लेखक बाबू क्या कह रहे हैं अपने को यहाँ पे कि आज भी जो है ईमानदारी है, इसको वो साबित कहाँ करें हैं कि ऐसा बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को याद है कि मैं एक बार रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने गया था और वहाँ मैंने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिए थे। लेकिन 100 रुपये देने के बावजूद भी जो टिकट बापू है वो वहाँ आया मेरे को ढूंढता हुआ, और जब वो मेरे को पहचान लिया तो उसने मेरे को 90 रुपये वापस दे दिए। और 90 रुपये देने के साथ साथ उनके चेहरे पर एक बहुत ही संतोष की लकीर जो मेरे को है वो दिखाई दे रही थी। तो आगे क्या कह रहे हैं, मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक यहाँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लेखक ये कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी हुई है, लेकिन फिर भी किस में ईमानदारी थी, टिकट पापू में ईमानदारी थी। वो चाहते तो 90 रुपये रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, इस बात से मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। लेखक अपनी दूसरी एक कहानी और सुनाता है जो उनके साथ घटना घटी थी। वो ये बोल रहे हैं कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे। बस क्या होता है, कुछ दूरी पर चलती है और वो रुक जाती है। बस थोड़ी दूर पे जाके रुक जाती है और करीब उनको जहाँ पहुँचना था उसके 8 किलोमीटर पहले जो है बस वहाँ रुक जाती है। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। टिकट देने वाला था वो उतर गया और उतर के कहाँ चला गया, साइकिल लेके कहीं आगे निकल गया। तो यहाँ देखो बच्चों, जितने भी यात्री बैठे थे उन सबको ये लग रहा था कि हमारे को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ देखो आपके एक पर्सन बन रहा है, पर्सन क्या है ध्यान से देखो, लोगों को संदेह क्यों हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। यहाँ आपके पर्सन क्या बन रहा है कि लोगों को संदेह क्यों हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। आगे देखो, बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक क्या कह रहा है कि ये सारी चीज़ें, एक तो रात की 10 बजे एकदम सुनसान जंगल में बस रुक गई, और दूसरी जितने भी यात्री वहाँ बैठे हुए थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ जो है ऐसे ही होता है हमेशा, अभी 2-3 पहले यहाँ एक बस को लूट लिया गया था। और साथ में लेखक को इस बात का डर लग रहा है कि वो परिवार सहित थे, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, तो लेखक जो है वो डरा हुआ। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ कर मार पीटने का इशारा बनाया, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उठने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, यह लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातिर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ नौजवान जो लोग वहाँ बैठे थे बस में, उन्होंने क्या योजना बनाई कि जब ड्राइवर भी उतर गया नीचे, तो उन्होंने ये सोचा कि ड्राइवर को पकड़ के मारपीट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसने ही पहले टिकट बाबू को यहाँ से रवाना कर दिया है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, किसको पकड़ लेना चाहिए और इसके साथ मारपीट करना चाहिए। लेकिन ड्राइवर जो था वो किसकी ओर देखा, वो लेखक की ओर देख रहा है और
क्या कह रहा है लेखक को कि भाई इन लोगों से मेरे को बचाइए, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं दूसरी बस की, लेकिन ये लोग मेरे को मारेंगे, आप मेरे को इनसे बचाइए। यहाँ देखो बच्चों, एक शब्द आया हवाइयाँ उठना, यह एक मुहावरा है, हवाइयाँ उठना इसका मतलब है घबरा जाना, ठीक है। आगे देखो, उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइएगा, धोखा दे रहा है, कलेक्टर को पहले ही डाकों के यहाँ भेज दिया है। क्या कहने लगा लेखक, ये कह रहा है कि मैंने जितने भी यात्री थे उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे थे, बल्कि वो क्या कह रहे थे कि इस आदमी की बातों में, ड्राइवर की बातों में मत आना, यह हमारे को क्या कह रहा है, धोखा दे रहा है, इसने जो है डाकों के पास पहले ही कलेक्टर को भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, भयभीत का मतलब डरा हुआ, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। डेढ़ दो घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत पूरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे किरकिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय के क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कनेक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। लेखक क्या कह रहा है कि मैं भी यहाँ बहुत भयभीत था, बहुत डरा हुआ था, और लोगों ने मेरे कहने से ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मिलकर क्या योजना बनाई कि ड्राइवर को बंदी बना लिया। यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा, चित्र में आप देखो, यहाँ जो है ये ड्राइवर है और इनके साथ लेखक के साथ मारपीट हो रही है, और इन लोगों ने क्या किया कि ड्राइवर को एक जगह उतार के और घेर लिया, और क्या कहने लगे कि अगर हमारे साथ कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो हम क्या करेंगे, पहले ड्राइवर को समाप्त करेंगे। ऐसी इन्होंने एक योजना बना ली। लेकिन इतनी देर में लेखक क्या देख रहा है कि दूर से उसको एक खाली बस आती हुई दिखाई दे रही है, और उस खाली बस में जो है उनका जो कनेक्टर था वो भी बैठा हुआ है। वो बस वहाँ आके रुकती है और टिकट बापू ने क्या कहा कि मैं ये बस जो है वहाँ अड्डे से लेके आया हूँ, नई बस लेके आया हूँ, क्योंकि ये बस जो पुरानी वाली है वो चलने की हालत में नहीं थी। यहाँ देखो बच्चों, लेखक आके क्या कह रहा है, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि उस कनेक्टर के टिकट बाबू के दिल में इतनी रहम थी कि मेरे बच्चों के लिए उसने थोड़ा दूध भी जो है वहाँ से बस अड्डे से लेता आया, और मेरे बच्चों के लिए पानी भी लेके आया। क्यों? क्योंकि बच्चों का रोना उससे देखा नहीं जा रहा था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। लेखक फिर यहाँ क्या कह रहा है कि मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है जिनको मैं भूल नहीं सकता हूँ, और उनको देख के मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मनुष्यता जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई है, या फिर मोह माया जो है वो ख़त्म हो गई है, बल्कि ये अभी भी जीवित है, क्योंकि बहुत सारी घटना मेरे साथ हुई है। ये दो घटनाएं तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो मेरे को याद है, जिनको देख के और मेरे को ये लगता है कि अभी जो है इंसानियत जीवित है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाटस दिया है और हिम्मत बंधाई है,
यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहे हैं, लेखक अपने को ये कह रहे हैं कि मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरे को धोखा नहीं मिला है या मैं टका नहीं गया हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत कम अपने को ऐसी जगह मिलती है जहाँ अपने साथ विश्वासघात होता है। और अगर अपने साथ जहाँ विश्वासघात होता है उन बातों को ही अपने को जहाँ धोखा लगता है उन बातों को ही अगर अपन लेके बैठ जाएंगे तो अपना जीवन जो है वो कष्टकारक हो जाएगा, अपन आराम से जीवित रह नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को कौन सी बातें याद रखनी चाहिए जो अपने साथ अच्छी हुई हो, जो अपने को अकारण किसी ने अपने की अपनी सहायता की हो, ऐसी बातें जो है अपने को याद रखनी चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ जो है ठाकुर जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, दुनिया इतनी बड़ी है और उस दुनिया में अगर ऐसा लगता है कि मेरे को केवल नुकसान उठाना पड़ रहा है, मेरे को केवल धोखा ही मिल रहा है, तो ऐसे धोखे के टाइम पर भी मेरे को इतनी शक्ति देना भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे को इतनी शक्ति देना कि मैं उस टाइम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करूं, बल्कि मैं ऊपर आपके ऊपर विश्वास रखूं, ऐसी मेरी शक्ति बनाए रखना। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा, वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति पूजी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ लेखक जो है अपने को क्या कह रहे हैं कि आज भी मनुष्य जो है विश्वास का धोखा भ्रष्टाचार ही में उलझा हुआ है और ये अपने को मिलते रहे हैं, लेकिन इनका मिलने का मतलब ये नहीं है कि अपन जीवन को इनमें उलझा के निराश होकर जिंदगी जिए, बल्कि आज भी अपन एक आशा की किरण जो है साथ लेके अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। क्या निराश का मतलब है दुखी होना, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। लेखक क्या कह रहे हैं अपने आप को और अपने को क्या कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी अपने पास आशा की किरण है, उसको साथ लेके अपन नई जिंदगी जी सकते हैं। ही सारे पाठ से बच्चों अपने को ये समझ में आता है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी ये सब है, लेकिन इन सब के साथ साथ जो है ईमानदारी, इंसानियत वो भी अभी है, वो नष्ट नहीं हुई है, केवल इन चीज़ों के नीचे दब गई है। तो बच्चों अपना आज पाठ साथ हो गए, आपको मेरे को लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार अपन जो है कोर्स फटाफट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करेंगे आराम से रिवीजन के टाइम जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का अपना लेसन ख़त्म होता है, बाय बाय बच्चों।